धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में पुलिस द्वारा पूरे जिले में लगातार अवैध शराब की धरपकड़ जारी है। इसी अभियान के तहत कल देर रात बदनावर पुलिस ने रतलाम से ऑल्टो कार में अवैध शराब ला रहे दो युवक को धर दबोचा, जिनके पास से पुलिस ने 1.5 लाख कीमत के 7 पेटी अंग्रेजी शराब और 3 पेटी देसी शराब पकड़ी है। दोनों युवक धार के निवासी बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस द्वारा सातरुंडा की शराब दुकान की मैनेजर, जो इन्हें अवैध शराब मुहैया करवा रहा था, उसे भी आरोपी बनाया है। युवकों पर पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत धारा 34(2) में प्रकरण दर्ज किया है और जांच जारी है। ग्लोबल टीवी के लिए बदनावर से बंटी सिंह चौहान के साथ रोशन डिग्नोदिया की रिपोर्ट।